हेलो एवरीवन, जय माता दी। मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। मैं नीतू कुमार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कैसे क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि कौन सी स्किन पे लगाया जाता है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब भी कोई भी क्रीम खरीदते हो ना, उससे पहले आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेकर फिर बाद में यूज करना है। उस क्रीम के बारे में जांच पड़ताल करके फिर बाद में यूज करना है। इसे मत ख़राब किया करो अपने फेस को, कि हम बहुत ही मतलब ऐसे वीडियोज़ देखते हो आप लोग, मेरा मानो या चाहे किसी का भी मानो, आप वीडियोज़ देख के ही मत खरीदा करो। पहले उसके बारे में जानकारी लेकर फिर बाद में खरीदा करो कि भाई ये क्रीम है कौन सी स्किन पर लगाया जाता है, किस तरीके से ये अपना रिजल्ट देता है, क्या ये अच्छा होगा अपने स्किन के लिए या नहीं होगा, ये सब जानकारी लेकर फिर बाद में यूज करना है। टेस्ट करके आप लोगों को यूज करना है अपने यहाँ पे लगा के हल्का सा, और फिर बाद में देखना है कि आपकी स्किन पे कुछ इफेक्ट तो नहीं करा इस क्रीम से, तभी ही आप पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ऐसे नहीं यूज करना है। तो जाने के इस वीडियो में, तो जानने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से, लोग इस वीडियो को देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट प्यार देते रहिएगा। तो बात करते हैं कौन सी क्रीम के लिए मैं बात करने वाली हूँ। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, एक्ने पिंपल्स है, या फिर इसके मार्क्स वगैरह रह गए, या फिर डार्क सर्कल वगैरह है, डार्क स्किन हो रखी है, इसकी वाइटनिंग क्रीम है ये, तो ये कौन सी क्रीम है? इन सब के लिए बहुत अच्छी क्रीम मानी गई है। तो अच्छी है कि नहीं है ये तो हम जानेंगे एंड में। और आपको ना ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जो जो कि आप घर पर भी कुछ ट्राई कर सकते हो ये क्रीम वगैरह पर विश्वास ना करके, क्योंकि ये क्रीम वगैरह हमेशा आपके साथ नहीं निभाता, क्योंकि ये आपको बीच में ही धोखा दे देती है। जब हम इस क्रीम को लगाना छोड़ देते ना, कुछ क्रीम ऐसी होती है ना, जब लगाना छोड़ देते ना, फिर बाद में थोड़े दिन के बाद आपका जैसा फेस था ना, वैसे के वैसे हो जाता है। तो मैं बात करने वाली इस क्रीम के बारे में, क्या ये क्रीम भी हमारा साथ छोड़ देगी क्या, इससे होता क्या है, क्या ये कितने टाइम तक टिका रहेगा अपने फेस पे, जब तक हम लगाएंगे तब तक ये अपनी स्किन पे टिका रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो देखिएगा आप एंड तक इस वीडियो को, तो मेरे वीडियो को लाइक और सपोर्ट भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। ये कौन सी क्रीम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कोलाडिया क्रीम है इस टाइप की आपको मिलेगी, स्किन वाइटनिंग क्रीम है और ये अपने स्किन के टोन को थोड़ा फेयर करती है। तो सच में करती है कि नहीं करती है? तो 30 ग्राम की क्वांटिटी में मिलेगी और इसकी प्राइस मिलेगी आप लोगों को, प्राइस मिलेगी 15 रुपीज़ में, आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। क्योंकि स्किन वाइटनिंग क्रीम ना अक्सर आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये सब क्रीम ना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्रीम होती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रीम होती है, इसलिए बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आसानी से नहीं मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स हैं वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो अब ये हो गए, अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स भाई, इसमें ऐसा क्या क्या डाला हुआ है, इसकी सामग्री क्या क्या है, अच्छी है कि नहीं है अपने स्किन के लिए। तो इसमें है कॉजिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सब इसमें डाले हुए हैं, और है इसमें एल ग्लूकोथाइड है, इसमें सामग्री डाली हुई है। तो ये सब का यूज किया हुआ है इसकी क्रीम में, ये सब डाली हुई है। तो ये अपने कॉजिक एसिड का तो आपको पता ही है, विटामिन ई, विटामिन ए का भी आपको पता है। तो ये अपनी स्किन पे किस तरीके से वर्क करता है, देखो कॉजिक एसिड अपनी स्किन के को ब्राइटनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, लेकिन ये दाग धब्बे को भी हटाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, लेकिन ये पिगमेंटेशन को ना हल्का ही लाइट करता है, मेलाजमा को हल्का ही लाइट करता है, और आपके एक्ने पिंपल्स के जो दाग धब्बे है ना उसको क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, अपनी स्किन टोन को फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ये क्रीम, ठीक है। इसको किस टाइप से लगाना है वो जानते हैं। तो इस क्रीम को ओनली नाइट में यूज करना है, आपको डे में यूज नहीं करना है। डे में आप लोग धूल मिट्टी में घूमोगे, धूप में जाओगे, उससे आपको की स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ भूल के भी आप कोई भी क्रीम होती है ना वो डे में नहीं लगाया जाता है। अगर लगा भी रहे हो ना तो अपने फेस को कवर करके बाहर घूमिएगा, धूल मिट्टी में जाएगा, ऐसे मत जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इस क्रीम को ओनली नाइट में लगाना है, किस तरीके से लगाना है। आपको अपने फेस को क्लीन करके, फेस वॉश करने के बाद, उसको ड्राई होने के बाद इस क्रीम का यूज करना है अपने फेस पे, और यूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है आपके आंख नाक मुंह से दूरी बना के यूज करना है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए यूजफुल क्रीम नहीं है, इसकी कैप को टाइटली करके बंद करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए इस क्रीम का यूज करना है। तुरंत आपको इस क्रीम का यूज करने के बाद तुरंत हाथ धो लेना है, ठीक है। और आपको इस क्रीम को रेगुलर, आपको 15-20 दिन तक रेगुलर यूज करना है, और इस क्रीम को आप 1 मंथ तक भी यूज कर सकते हो। इसके कोई मतलब ऐसे नहीं है, स्टोरेड क्रीम होती है ना उसके तो कुछ रूल होते हैं कि 15-20 दिन तक ही यूज करने होते हैं, उसको ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं करना होता है और उसको धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये क्रीम है ना आप एकदम से भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप इसको 1 मंथ तक भी लगा सकते हो, 15-20 दिन तक भी लगा सकते हो, और जहाँ जहाँ आपके प्रॉब्लम हो रखी है आपकी स्किन पर वहीं वहीं पर ही आपको लगाना है।
अगर पिंपल्स हो रखा है, हल्का पिंपल्स वगैरह, जैसे भी एक ही पिंपल्स हो रखा है, ठीक है, एक ही एक्ने आ रखा है, मतलब इस तरीके प्रॉब्लम, तो वहाँ पे इस तरीके से लगाना है आप लोगों को। अगर आप पूरे फेस पे भी अप्लाई करना चाहते हो, कुछ लोग गोरे होने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यूज करना है, और आपको 15-20 दिन तक या फिर 1 मंथ तक भी यूज कर लेना है। ये अपनी स्किन को जवा करता है, अपनी स्किन को हाइड्रेट करती है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर करता है। ये ज़्यादा ऑयली चिपचिपा नहीं करती है क्रीम, और ना ज़्यादा ड्राई करती, एकदम अच्छी क्रीम है। और ये अपनी स्किन को मतलब मॉइस्चराइजर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। लेकिन ये क्रीम है ना, गोरे होने के लिए आप खरीदते हो ना, अगर ये चाहते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा गोरी हो जाऊँगी, लड़का लड़की इसको दोनों यूज कर सकते हैं। कुछ लोग गोरे होने के लिए यूज करते हैं ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा गोरा हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, तो ये इतना भी गोरा नहीं करती जितना आप लोग सोच रहे हो। तो इस क्रीम से ना अच्छा इतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है आपको, कुछ टाइम के लिए ही आपको ये गोरा करता है, फिर बाद में जैसा फेस है वैसे के वैसे ही फेस हो जाता है। तो आप ये सोचो कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, इसको लगाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो इस क्रीम को मत खरीदना, इतनी अच्छी क्रीम नहीं है, तो मत खरीदना इस क्रीम को। आप इसके अगर इस क्रीम के अलावा आप घर पे कुछ कर सकते हो तो एक चीज़ करिएगा, क्या करें वो जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आटा लेना है। मैं आटे के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताती हूँ, क्योंकि आटा ना अपनी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और आटा बहुत अच्छा होता है। तो आपको लेना है आटा, लेना है उसमें डालना है दूध, ठीक है, दूध डालिए। अब डालना है उसके अंदर आपको एलोवेरा, जितना देखो एलोवेरा ये सब ना, आटा आपको 2 चम्मच ले लिए ना, तो आपको दूध डालना है 2 चम्मच उसमें, ठीक है, और जितना वो भीग सके, ठीक है, पेस्ट बन सके, उसमें डालना है 1 चम्मच एलोवेरा डालना है। फिर उसके अंदर डालना है आपको लेमन के 3-4 बूंदे उसमें डालना है, और इस तरीके से इसका पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाइएगा, और आप पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हो। पेस्ट बहुत ही अच्छा है अपनी स्किन को वाइटनिंग करने में, लेकिन ये आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देता, आपको इसको रेगुलर लगाना पड़ेगा, आपको ओनली 10 दिन तक लगाना ही पड़ेगा, तब जाके अपनी स्किन को अच्छा रिजल्ट देता है, हाइड्रेट करता है, अपनी स्किन को जवा करता है। ये पेस्ट बहुत अच्छा पेस्ट, ट्राई करके जरूर देखना, और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करना, हरी सब्जी खाना और फ्रूट खाना और जूस पीने की कोशिश करना। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आप लोगों को थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।